इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक रूपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हिजाब के नाम पर जो ये एक आतंक फैला दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक विशेष वर्ग पर ही राजनीति होती है, और जब जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो इस तरह के मुद्दे ज्यादा उठते हैं। और ये तो महिलाएं खुद तय करेंगी कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या पहनने के लिए भी हमें दूसरे से अनुमति लेनी होगी कि मैं ये पहनूं या ना पहनूं। तो सपा ने भी पहले ये कहा था कि हम गुंडों को टिकट नहीं देंगे, जबकि आप मोस्ट प्रोबेब्स अगर नजर डालें तो उन्होंने भी गुंडों को ही टिकट दिया है। तो सपा का जो एक जो कहते हैं उस कथनी करने में उनके फर्क होता है। लोगों को शेल्टर दिए, एक वीडियो आपने ही दिखा दिया, अनुराग ठाकुर जी ने शायद इसको ट्वीट किया है। तो अगर इस किस्म के मनचले होंगे पार्टी में तो क्या वहाँ पर हम तो बुरखे में भी सेफ नहीं है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी और कांग्रेस नेता फौजिया राणा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे कि हिजाब को लेकर जो कर्नाटक में बवाल मचा है उसमें इनका क्या मानना है, क्या कहना है। कर्नाटक में काफी विवाद हुआ और वीडियो आया सामने, आपका क्या कहना है? देखिए, हिजाब के नाम पर जो ये एक आतंक फैला दिया गया है, तो एक्चुअली हिजाब को आप स्कार्फ भी कह सकते हैं, उसको घूंघट भी कह सकते हैं। क्रिश्चियंस इसको हिजाब स्कार्फ कहते हैं, हम इसको हिजाब कहते हैं, और हिंदूज जो हैं वो उसको घूंघट कहते हैं। तो ये जो इस मुद्दे को लेकर जो एक तरह का अराजकता फैल रही है, अब तो काफ़ी जगह इस मसले को उजागर कर दिया गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक विशेष वर्ग पर ही राजनीति होती है, और जब जब इलेक्शंस करीब होते हैं तो इस तरह के मुद्दे ज़्यादा उठते हैं। वरना हम क्या पहनते हैं, हम क्या ओढ़ते हैं, इसकी इजाज़त हमें संविधान ने दी है, खाने से, पीने से, पहनने से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान नहीं मानती? संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये तो महिलाएं खुद तय करेंगी कि उन्होंने क्या पहनना है, क्या पहनने के लिए भी हमें दूसरे से अनुमति लेनी होगी कि मैं ये पहनूं या ना पहनूं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई बड़े लोग सामने जो आ रहे हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की हो रही है कि ये एक मुद्दा नहीं है, क्या इनको प्रॉब्लम माइनॉरिटीज से है? मेरा एक सवाल है कि क्या स्कूल कॉलेज में तिलक, तराजू, हिजाब, इनकी अगर स्कूल ने बोला है कि हिजाब नहीं पहना है तो ड्रेस कोड है, तो वो फॉलो नहीं होना चाहिए? जरूरी है स्कूल में धार्मिक चीज़ों को? देखिए, अगर स्कूल, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक वस्त्र पहनकर तो माननीय योगी जी भी जाते हैं संसद, भगवा पहन के तो वो भी जा रहे हैं, तो क्या वहाँ ड्रेस कोड नहीं है? सीएम का कोई ड्रेस कोड नहीं है? सीएम का ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन सीएम तो पूरे राज्य के सीएम होते हैं ना, एक विशेष वर्ग के तो सीएम होते नहीं है। सीएम साहब ने कभी टोपी नहीं लगाई, भगवा वो पहन लिया, तो हम क्या समझे कि एक विशेष वर्ग के ही सीएम है वो? आपको लगता है कि हिजाब पर राजनीति हो रही है? बिल्कुल, ये प्री प्लान राजनीति है, ये एक एजेंडा है जिसको बनाया गया है, ये वोटों की एकजुट करने के लिए बनाया, जिनको लग रहा है कि सत्ता हाथ से जा रही है। किसकी सत्ता हाथ? या बिल्कुल, यूपी में सत्ता जा रही है, और जिस तरह का माहौल उन्होंने बना रखा है, जब जब इलेक्शंस होते हैं इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो जब हमारी कुर्सी को खतरा हो, क्योंकि मुद्दा नहीं है ना, मंदिर मुद्दा था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, आप बना ही रहे हो, तो एक नया मुद्दा है, ये मुद्दा चाहिए उनको। लेकिन ये तो बात कर्नाटक में हुई थी ना, यूपी से देखिए, मुल्क में कहीं भी कुछ होगा असर तो पूरे मुल्क पर आता है। मेरे फादर का एक शेर भी है कि बड़ा गहरा ताल्लुक है सियासत का तबाही से, जब कोई शहर जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। आपने अपने पिता की बात की, तो वो भी गाहे बगाहे ये बयान देते हैं कि अगर यूपी में योगी आ गए तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। देखिए, ये उनका अपना मानना है, अपना तर्क है, मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। कांग्रेस का क्या रहेगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, कहीं कोई स्थान? जिस तरह से प्रियंका जी ने इतना वर्क किया है और जिस हिसाब से हमारी पार्टी आगे जा रही, मुझे लगता है कि हम बेहतर रिजल्ट लेकर सामने आएंगे। अच्छा, अभी एक एक वीडियो आया है जिसमें अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया है, जिसमें बाकायदा दिख रहा है कि एक शख्स जो है वो एक महिला को छेड़ रहा है, महिला बुरखा पहनी हुई है और समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही है, तो उन्होंने आरोप ये लगाया है इसमें बाकायदा कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे, एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए, जहां भरे हों ऐसे मंचले, यूपी क्यों उनके साथ चले, वीडियो जिक्र की बाकायदा इसमें। आप देखिए, ये वीडियो तो चूँकि अभी आपने मुझे दिखाया है तो मैं देख रही हूँ, लेकिन अगर सपा की भी बात करें तो सपा ने भी पहले ये कहा था कि हम गुंडों को टिकट नहीं देंगे, जबकि आप मोस्ट प्रोबेब्स अगर नज़र डालें तो उन्होंने भी गुंडों को ही टिकट दिया है। तो सपा का जो एक जो कहते हैं उस कथनी करने में उनके फ़र्क होता है। यूपी में भी प्रचंड बहुमत कांग्रेस लेकर आएगी। आप सीधे आरोप लगा रही हैं अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि उन्होंने गुंडों को टिकट दिया?
हाँ, उन्होंने गुंडों को टिकट दिया है, गुंडों को शेल्टर दिए, एक वीडियो आपने ही दिखा दिया, अनुराग ठाकुर जी ने शायद इसको ट्वीट किया है। तो अगर इस किस्म के मनचले होंगे पार्टी में तो क्या वहाँ पर हम बुरका, हम तो बुरके में भी सेफ नहीं है फिर। तो बड़ा बयान है फौजिया राणा का, जिन्होंने हिजाब पर तो बात की ही की, लेकिन साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में गुंडों को टिकट दिया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा।